सो हाय गाइज, माय नेम इज विजयन, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो फाइनली गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वीवो के सभी स्मार्टफोनों में आप एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हो। जी गाइज, तो चलो देख लेते हैं कि एप्लीकेशन को हाइड कैसे करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम उन फ़ोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें जो कि अवेलेबल है, जो कि हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो सबसे पहले उससे बात करते हैं कि उसमें आप लोग कैसे ऐड करोगे। जिनको नहीं पता है तो आप लोग कैसे हाइड करोगे उसको सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। फिर हम बात करेंगे जिन फ़ोनों में नहीं है ऑप्शन, उसमें कैसे आप लोग हाइड कर पाओगे। सो चलो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं। देन गाइज, सबसे पहले यहाँ पर आई मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको सेटिंग से भी बताऊँगा आप लोगों को कैसे करना है। सो गाइज, यहाँ पर नीचे क्लिक करोगे तो ऐप यहाँ पर आपको देख रहे हो कुंजी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना एंड इसको वेरीफाई करना पड़ता है, तो वेरीफाई कर लेना। यहाँ व्यू हाइड पे कर सकते हो, आई थिंक अगर हाइड पे ऐप पे करोगे तो यहाँ से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। तो चलो गाइज, हम देख लेते हैं कोई हाइड करके। यहाँ फ्लिपकार्ट को मैं हाइड कर रहा हूँ, सिंपली हाइड हो चुका है। एंड व्यू हाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लिपकार्ट हाइड था और यहाँ से आ रहा है। एंड गाइज, जो हमारा मेन पेज है यहाँ से फ्लिपकार्ट गायब हो चुका है, यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, आप लोग सेटिंग से कैसे कर पाओगे। सिंपली जाना है सेटिंग में एंड नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, प्राइवेसी एंड ऐप इंस्पिरेशन दिया गया है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। तो ये हुई उन फ़ोन्स की बात जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल है ऑप्शन हाइड का। तो चलो अब बात कर लेते हैं जिसमें अवेलेबल नहीं है, आप लोग उसमें कैसे इनेबल करोगे, कैसे आप लोग एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। देन गाइज, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। आपको पड़ेगी दो एप्लीकेशन की ज़रूरत और मैंने वॉइस रीच के लाइक फ़ोनों के बारे में मैं इस चीज़ में ट्राई करके देख लिया हूँ एंड अपने फ़ोन में भी ट्राई किया हूँ वीवो के V11 में। और जहाँ तक मुझे पता है वीवो के वी सीरीज में लाइक सभी में जो कि हाइड एप्लीकेशन का मोड दिया गया है, वॉइस रेंज में बहुत फ़ोनों में नहीं है। तो देख लो आप लोग कैसे करोगे हाइड। तो सिंपली यहाँ पर दो एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ेगी, प्ले स्टोर में मिल जाएगा एप्लीकेशन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक दे देंगे वहाँ पर। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐप हाइडर और DC लॉन्चर दोनों की मदद से आप लोग इसको हाइड कर सकते हो। इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी पहले ही, जो कि वीवो Y91 में आप लोग एप्लीकेशन कैसे हाइड करोगे। तो बेसिकली आज मैं फिर से उसी एप्लीकेशन का यूज़ करके बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जेन्युइन है, इसकी डाउनलोडिंग भी अच्छी है और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है। देन गाइज, ओपन करने के बाद हमारे सामने एक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसको हमें सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। तो सिंपली सेट पर क्लिक कर देंगे एंड गो इट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको होम ऐप में जाना है, आपको DC लॉन्चर चूज करना है। तो DC लॉन्चर पे सिंपली क्लिक कर देना है, हमारा लॉन्चर DC लॉन्चर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हमारा जो है DC लॉन्चर एक्टिवेट हो चुका है। तो अब क्या करना है, ये सबको हम शॉर्टकट पे कर देते हैं। तो एंड यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ शॉर्टकट हो चुकी है जो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो हमारे और एप्लीकेशंस हैं वो नीचे से स्क्रॉल करने पर दिखाई देंगे। तो अभी क्या करना, देन हमें वापस से जाना है हाइड ऐप हाइडर पे क्लिक करना है एंड यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है तो प्लस पे क्लिक करना सिंपली। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन चूज करता हूँ, उसके बाद हाइड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ मैं एल्बम को चूज करता हूँ एंड ऐप बैकअप को चूज करता हूँ, भीम एप्लीकेशन एंड ब्राउजर को। मैंने यहाँ पर चार एप्लीकेशन को चूज कर लिया है, देन यहाँ पर हाइड पर क्लिक कर देना। सिंपली ये जो एप्लीकेशन हो चुके हैं हाइड एंड गाइज, यहाँ पर देख सकते हो जो आई बटन बना हुआ है, ये सिंपली वही चीज़ें यहाँ पर हाइड ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये चुका हाइड हो चुका एप्लीकेशन। एंड अगर हम यहाँ पे फिर से आते हैं एंड देखते हैं जो हमारा हाइड ऑप्शन था, जो मैंने ऑप्शन हाइड को किया था, वो चीज़ें यहाँ पर है कि नहीं है। मैंने हाइड किया था, आपको पता है, भीम एप्लीकेशन को एंड अपने आई कह सकते हो फाइल मैनेजर को किया, फाइल मैनेजर कह रहा जो अपना फ़ोटो है कह सकते हो उसको मैंने किया था, जिसमें एल्बम होता है लाइक कह सकते हैं। और यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा जैसे कि ये सारे एप्लीकेशन हाइड हो चुके हैं पूरी तरीके से। सो गाइज, अभी क्या करना है, उसको वापस दोबारा लाने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है एंड यहाँ तो देखने को मिलेगा ये हाइड हो चुका है। अब यहाँ बैक आ जाना, फिर से सिंपली ओपन करना है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहे हैं, अब इसको हमें पासवर्ड लगा के रखना पड़ेगा, आई थिंक जो हमें सिर्फ हमें ही यूज करने को मिले।
तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर देख रहे हो पिन कोड इज़ नॉट सेट, तो यहाँ पर हम सेट इट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो चलो मैं एक छोटा सा पासवर्ड दे देता हूँ, 23 56 23 एंड 23 56 23 मैं लगा दिया हूँ। फिर से हम 23 56 23 क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सेट हो चुका है। एंड यहाँ पर ईमेल आईडी का भी रिक्वायरमेंट मांग रहा है, अगर है तो दे दीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी पासवर्ड एक चूज कर लीजिएगा जो रिकवरी पासवर्ड होगा। मैं यहाँ यस सिंपली क्लिक कर देता हूँ, देन ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो हमारा हाइड एप्लीकेशन है वो लॉक हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगा जो एप्लीकेशन है वो भी हट चुका है, एंड उसको देन ओपन करना है उन एप्लीकेशंस को। सिंपली इसी पे ऐप हाइडर पे क्लिक करेंगे या लॉक पे क्लिक करेंगे, वही पासवर्ड हम चूज कर देंगे एंड देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है वो एप्लीकेशन। सो इसकी मदद से आप लोग आसानी से अपने फ़ोन में किसी भी डिवाइस में वीवो के आप लोग अपने एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और हाँ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।